नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंशियल में आपका स्वागत है और यह जनरल स्टडीज के क्वेश्चन और आंसर में आपका फिर से स्वागत है, क्योंकि यह जो है दूसरा पार्ट है। पिछले वीडियो में मैंने प्रश्न 1 से लेकर 22 तक कवर किया था, और देखिए इस वीडियो में चूंकि समय ज़्यादा लग गया था उसमें, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया है 23वें प्रश्न से। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाइए, और सभी से आग्रह है कि लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो पसंद है जरूर शेयर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं 23वें प्रश्न से। दोस्तों ये रहा 23वां प्रश्न, और प्रश्न का उत्तर तो आप देख ही रहे होंगे, लेकिन फिर भी एक प्रकाशीय तंतु के माध्यम से प्रकाश संकेत का संचरण के लिए उत्तरदायी प्रकाशीय घटना क्या है। तो देखिए ये व्यतिकरण है, बहुत ही बार पूछा गया, इसलिए पहले से मैंने टिक लगाया था, बहुत ही बार पूछा गया है व्यतिकरण के बारे में। व्यतिकरण क्या है, उसके बाद प्रकीर्णन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, अपवर्तन, इसके बारे में बहुत डिटेल में जान लीजिए, क्योंकि हमेशा परीक्षाओं में इस टॉपिक को लेकर पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 24 है कि प्रकाशीय सूक्ष्मदर्शी के बारे में कौन सा कथन जो है सही है, या एक से अधिक भी हो सकते हैं। देखिए 1, 2, 3, 4 कथन है, अब बताइए कौन सा सही है। यहाँ कूट का प्रयोग करना है, आप अच्छे से वीडियो को पॉज कीजिए और देखिए जो है क्षैतिज अवस्था में, यानी कि जो है हॉरिजॉन्टल मोबाइल को रखिए, अगर आप देख रहे हैं मोबाइल पर तो इसे, ताकि आपको ये अक्षर जो है बड़े बड़े दिख सके। और दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि 1 और 3। देखिए 1 और 3, ये है 1 और ये है 3। दोस्तों सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका और अभिदृश्यक दोनों ही उत्तल लेंस होते हैं, जबकि सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन सूक्ष्मदर्शी नलिका की लंबाई पर निर्भर करता है। ये दोनों सही है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से किस रत्न में जो है बेरिलियम धातु होती है। तो दोस्तों उत्तर है ऑप्शन हो जाएगा पी, यानी पन्ना में जो है बेरिलियम धातु होती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, किसी द्रव पर वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उत्तर है कि ऑप्शन बी हो जाएगा, द्रव्य का क्वथनांक जो है कम हो जाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न 27 है कि 4D कक्षक के लिए कोणीय और त्रिज्य पातो यानी कि नोड की संख्या होती है क्रमशः कितना, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। और उत्तर है ऑप्शन ए हो जाएगा, 1 और 2 और 1 क्रमशः, ठीक है, यानी कि ये 2 और 1 क्रमशः है। नेक्स्ट प्रश्न में आते हैं। प्रश्न नंबर 28 है कि स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। और वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए, क्योंकि वीडियो जो प्रश्न है लंबा है, और वीडियो को अगर अच्छा आपको नहीं छोटा दिख रहा है तो मोबाइल को जो है क्या दोस्तों कि कर दीजिए उसको क्षैतिज अवस्था में, यानी कि हॉरिजॉन्टल में। और आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी स्तनधारियों की कोशिकाओं में प्रोटीन का संश्लेषण रुक्ष अंतर्द्रव्यीय जालिका में होता है। प्रश्न नंबर 29 है कि पादपों में अभिगमन क्रियाविधि के बारे में कौन सा एक कथन सही है। और उत्तर है, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं ऑप्शंस को, आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि दोस्तों कोशिका झिल्ली के आर पार संधारण प्रवणता के विपरीत आयनों और छोटे अणुओं के अभिगमन के लिए कोई ऊर्जा आवश्यक नहीं होती है। प्रश्न नंबर 30 है कि यदि एक सरल लोलक के दोलन का आयाम बहुत छोटा है तो इसका दोलन काल क्या होगा। देखिए 4 ऑप्शन है, इसका कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को बताना है, अगर जानते तो कॉमेंट कीजिए। और देखिए आंसर है, 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद देखिए आंसर जो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि तीर को छोड़ दीजिए और लोलक की लंबाई एल पर निर्भर होता है, दूसरा गुरुत्वीय त्वरण जी निर्भर होता है, ठीक है, जी पर निर्भर करता है, जबकि चौथा लोलक आयाम ए पर निर्भर नहीं होता है। ये हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2 और 4। प्रश्न नंबर 31 है कि लेजर शब्द का क्या तात्पर्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लेजर शब्द का तात्पर्य क्या है। चलिए इसका फुल फॉर्म के बारे में आप समझ लीजिए, फुल फॉर्म
एक तरह से क्या होगा इसका, अगर जानते हैं तो कमेंट कीजिए। और आंसर है ऑप्शन ए, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड ऑफ रेडिएशन, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये रहा लेजर शब्द का तात्पर्य। अब देखिए प्रश्न नंबर 32 है, कार्बोक्सिलिक अम्लों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। एक देखिए ऑप्शन कथन जो है 1, 2, 3 है, और कूट का प्रयोग करके बताना है कौन सा सही है। और दोस्तों उत्तर जो है, अच्छे से क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी केवल एक, यानी कि साधारण एलिफेंटिक कार्बोक्सिलिक अम्ल जल में जो है घुलनशील है, यही जो है जल में घुलनशील है। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न पे। तो प्रश्न नंबर 33 है कि सूची एक में एक यौगिक है और दूसरी तरफ जो है बहुलक का प्रकार है, इन दोनों को मिलाना है। ये देखिए कूट का प्रयोग किया गया है, अगर आप जानते हैं तो कमेंट मिलाइए और बताइए कौन सा होगा, ऑप्शन ए बी सी डी में कौन सा होगा। और देखिए आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी दोस्तों जो ये आप ऑप्शन ए देख रहे हैं मेलेमीन, ये जो है एक त्रियक बद्ध है, पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है रेखीय है, टेरिलीन जो है दोस्तों ये संघनन है, और सेलुलोज जो है ये है एक प्राकृतिक, ठीक है ये यौगिक है, इधर बहुलक का प्रकार है। प्रश्न नंबर 34 है कि निम्नलिखित में से किस नदी से गसोप्पा जलप्रपात जो है बनता है, और उत्तर है ऑप्शन सी, यानी कि शरावती, जिसे शरावती भी नदी भी कहते हैं, शरावती नदी भी कहते हैं। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रक्रम दीर्घ तरंग विकरण का भाग नहीं है, ठीक है ये विकरण का भाग नहीं है कौन सा एक, अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा जरूर। और उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन जो जाएगा बी, यानी कि प्रकीर्णन। तो वही नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 है कर्क रेखा निम्नलिखित में किस देश से होकर गुजरती है, पहले तो प्रश्न ऐसे पूछा था कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से गुजरती है, लेकिन ये प्रश्न बहुत ही पुराना हो गया है, तो अब नया तरह कहते कि किस राज्य से ये किस देश से होकर गुजरती है कर्क रेखा। देखिए दोस्तों उत्तर है ये सब अफ्रीका के कंट्री है, जानते तो बताइए। और ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि माली, माली जो है इस देश से होकर गुजरती है, जब ठीक है, जबकि ऑप्शन ए बी और डी से ये नहीं गुजरती है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 37 है कि मध्य अक्षांश क्षेत्रों के मौसम में दैनिक परिवर्तन होने का कारण क्या है, और उत्तर है ऑप्शन 1, 2, 3, ए बी सी डी नहीं, यहाँ 2, 1, 2, 3 है, तो ये हो जाएगा 2 नंबर, यानी कि अधोगामी वायु चालन, ये है मध्य अक्षांश क्षेत्रों में मौसम दैनिक परिवर्तन होने के कारण। प्रश्न नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से किन क्षेत्रों में झरनों का होना आम है, 1, 2, 3, 4 जो है कथन है एक तरह जो ये, अब देखिए इसका कूट का प्रयोग करना है और बताना है कि किन क्षेत्रों में झरनों का होना आम बात है। देखिए आंसर है दोस्तों ये ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि 1, 3, 4, यानी कि अच्छी तरह से संगठित सेल में, उसके बाद कास्ट स्थलाकृत और नत स्तर, ये तीन जो जो है ऑप्शन में क्षेत्र है वहाँ झरनों का होना आम बात है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 39 है कि पाचन के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है पाचन के विषय में, और आंसर पे सीधा आते हैं, अगर आप जानते तो कमेंट जरूर कीजिएगा। आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी खाद्य की वसा का पाचन लाइपेजो द्वारा होता है, यानी जो खाद्य का जो खाना खाते हैं उसके जो वसा फैट्स होता है उसका पाचन कौन करता है, तो लाइपेज करते हैं। प्रश्न नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है, तो वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं ऑप्शन, लेकिन आंसर मैं यहाँ बताता हूँ आपके लिए फास्ट में। देखिए ये होगा जो ऑप्शन ए, हरे पादपों द्वारा, ठीक है हरे पादपों द्वारा प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कार्बोहाइड्रेट बनाने में होता है, एक ऑप्शन ए हो जाएगा सही, बाकी तीनों गलत हैं, तो बी सी डी गलत है, जबकि ए सही है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न पे।
प्रश्न नंबर 41 के पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में, यानी जो पेशियां हैं हमारे शरीर में उसके संकुचन और शिथिलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा एक सही है? और उत्तर है, देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें पेशी द्रव्य जालिका जिसे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, जिसे शॉर्ट में SR कहते हैं, से कैल्शियम जो धनात्मक है का विमुक्त होना और कैल्शियम जो है वापस SR में पंप किया जाना शामिल होता है, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, पेशियों के संकुचन और शिथिलन के संबंध में यह कथन जो है सही है। प्रश्न नंबर 42 के रक्त के तत्वों के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? रक्त के तत्वों के बारे में कौन सा कथन सही है? और देखिए आंसर जो है दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या सर्वाधिक होती है, ये रक्त के तत्वों के बारे में ये कथन सबसे सही है, बाकी तीनों नहीं है। दोस्तों ये थे कुल प्रश्न जो है 23 से 42 तक के। तो दोस्तों इन प्रश्नों को आप देखकर इसका स्तर के बारे में बताएं किस स्तर के हैं, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि पहले जो है थोड़ा सा स्तर धीरे रहेगा, कम रहेगा, फिर धीरे धीरे प्रश्नों की प्रकृति जो है उच्च होती जाएगी। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए आने वाले वीडियो की जानकारी पाने के लिए सबसे पहले, और शेयर कर दीजिए सभी लोगों को। तो दोस्तों धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और खास महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, थैंक्स फॉर वॉचिंग।